हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है, या फिर वो दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उस सिचुएशन में इन मैसेजेस के थ्रू वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो होता है क्या कि दिल इंसान के सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस कुछ होती है, लेकिन दिल के डिज़ायर्स कुछ और होते हैं। तो इन हालात में मैसेजेस के थ्रू क्या कहना चाहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, रीचिंग कंक्लूजन्स, पेशेंस, सोलमेट और मेडिटेशन, जेंडर रोल्स। सो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है, एक तो ये कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, इस बात का एक एहसास होना, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं, बट ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी को एहसास होना कि हाँ दिस इज़ समथिंग, सोलमेट फीलिंग आ रही है, लाइक एक दूसरे के सोल से कनेक्ट हो पा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो जो दूर जा रहा है ना उसकी, सॉरी, वो जो दूर जा रहा है उसका, जैसे ना उसके लिए एकदम खिंचाव है, जैसे आप दूर जा रहे हैं और वो उनको ना बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा है। और ये अभी आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जा रहा है, क्योंकि कनेक्शन सोलमेट वाला है, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपका सोल है वो उनसे, उनके सोल से दूर हो रहा है। तो एक अजीब सा खिंचाव या अजीब सा एक बेचैनी उनकी तरफ खींच रही है। और जैसे शाम की रीडिंग में आया था कि इनको ना किसी चीज़ का इंतज़ार है, यू नो, पेशेंस तो रखे हुए हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार है, जैसे तूफानों के गुजरने का हो, या फिर किसी के लाइफ से कटआउट होने का हो, या फिर कोई चले जाने का हो, या फिर आपका क्या इरादा है या आपकी तरफ क्या मूवमेंट्स है उस चीज़ का हो। क्योंकि हो ना हो ये इंसान को ना अजीब सा डर लग रहा है कि आपको खोने का डर, और वो सोल टू सोल कनेक्शन के होने की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। अपनी लाइफ में इतने बिजी होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहे कि आपके लिए इतना खिंचाव क्यों है। ये काफ़ी ज़्यादा ना एक मेडिटेशन स्टेट में, ये हो सकता है कि मेडिटेशन करते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो सजेशन पे मेडिटेशन भी करते होंगे। बट जिस तरह से आपके बारे में सोचते हैं ना, जो एकदम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जैसे एकदम अजीब हालत में, वो चीज़ है। मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी स्ट्रांग है, ये किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हैं, या तो ये थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, या फिर आपके दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ तो है, डिसीजन लेना पड़ेगा। और कुछ लोग ना लिटरली इस बेचैनी की वजह से कोई कंक्लूजन पर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये तो पता चल रहा है कि अभी आपको मनाना या पाना इतना आसान नहीं है, मतलब डिसीजन तो लेना पड़ेगा, पहले कैसे चल रहा था अभी नहीं चलेगा। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, आपकी पिक्चर्स उनके फोन में अभी तक संभाले हुए हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, आपके बारे में वो फ्रेंड्स से बात करते हैं, किसी खास फ्रेंड से तो बहुत सारी बातें करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, आपका दिल दुखा के तड़पा के बहुत, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। व्हाई यू आर सो मीन, जैसे मैंने कहा ना कि आपका सोल जो दूर जा रहा है, आप अटेंशन नहीं दे रहे, आप इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा तड़पा रही हैं कि आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, यू आर टू गुड फॉर मी। इनको ये तो पता है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हों, जब भी इन्होंने कुछ गलती की है या इनका जिस तरह से बिहेवियर है उसके बावजूद भी आपने जिस तरह से इस रिश्ते को संभाला है, बहुत उनको लगता है कि यू आर टू गुड। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, डेफिनेटली एक ना एक दिन ऐसा लगता है ना कि शादी हो जाए, और आपके साथ शादी होगी तो कैसा होगा वगैरह सब, ऐसे इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आई बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये आपके सपने देखते हैं, लिटरली ये एनर्जी आज तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपके बारे में ड्रीम्स देखे जा रहे हैं, इमेजिनेशन की भी एक्चुअल में ड्रीम्स भी आ रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, काफ़ी एकदम एनर्जी में शिफ्ट है,
आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। ज़रूर आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई किया है और वो तो दिख रहा है, और अपने आप में चेंजेस, अपने आप में चेंजेस। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। सो इनका दिल सिर्फ आपका है, आप ही के लिए धड़कता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग इट। मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। एंड आई डोंट नो हाइड दिस लव। ये अपना प्यार छुपाना नहीं चाहते, नहीं चाहते अपना प्यार छुपाना। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।